प्यार भी। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी हॉल 28। तो आप लोग कैसे हो, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं इस वीडियो पे दिखाऊंगा कि आप एक किस तरीके से जो इस तरह के जो कार्टून रिलीज वीडियो है बना सकते हो। तो ठीक है, इस तरह के जो कार्टून वीडियो है आज भी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मैं आप लोगों को बस बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से ये लेडीज़ वीडियो बना सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस लेडीज़ वीडियो बनाने के लिए जो पिक्चर की मैंने यूज़ की है वो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उधर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इधर मैंने बहुत सारा कार्टून पिक्चर अपलोड किया है, तो आप इधर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उधर से जाके डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप पिंटरेस्ट ऐप से भी ये पिक्चर डाउनलोड कर सकते हो, बस आपको सर्च करना है कार्टून पिक्चर, तो आपके सामने बहुत सारा इस तरह का जो कार्टून पिक्चर है आ जाएगा, आप कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है एलाइट मोशन ऐप। अगर आपके पास एलाइट मोशन ऐप नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन होकर उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम जब आपके पास एलाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा तो नीचे जो प्लस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करके मैं जो रेशियो ले रहा हूँ ये मैं रेशियो ले रहा हूँ, आप कोई भी रेशियो चूज़ कर सकते हो, 9:60, 1:1, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं ये रेशियो लेता हूँ, इसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आप जो जिस ऑडियो पे बनाना चाहते हो स्टेटस उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है, प्लस वाला ऑप्शन पे जाके ऑडियो पे जाके मैं ऑडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैं मेरा 15 सेकंड का जो ऑडियो है वो मैं ले लिया है, आप जितना सेकंड चाहिए आप वो ले सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, इस प्लस वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसमें ये जो सेव है ये आपको ले लेना है। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे करके ये पूरा फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको कलर एंड फिल पे जाना है और ये जो वाइट के पास जो ग्रे कलर है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये मैं ये वाला ग्रे कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको राउंड जो सर्कल आपने लिया है ये वाला पिक्चर ये आपको लास्ट तक इस टाइप के खींच लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको इधर पिक्चर ऐड करना है। पिक्चर ऐड करने के लिए आपको प्लस वाला ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद मीडिया पे जाके आप जो भी पिक्चर इधर ऐड कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, पिक्चर ऐड मैं ऊपर की तरफ ऐड करूँगा। तो इसके लिए मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है आपको, इस थोड़ा सा मैं इसको जूम साइज इसका थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस टाइप से ऊपर की तरफ लगा देना। ठीक है, तो आप अपना अपना हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो हैं वो हो गया, देखिए मैं इस टाइप से थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको ये जो पिक्चर है इसको बस लास्ट तक खींच लेना है। तो मैं लास्ट तक खींच लाया। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, बस इस पिक्चर पे क्लिक करके आपको बॉर्डर एंड शेडो पे जाना है, स्ट्रोक को ओपन कर देना है और इसको करना क्या है 2.5 तक रखना है। तो मैं 2.5 तक रख दिया। उसके बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेडो को ओपन कर देना है। ठीक है, शेडो ओपन करने के बाद आपको जो साइज है आप अपना हिसाब से बढ़ा लेना। ठीक है, तो मैं इधर 15 रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो पोजिशन पर क्लिक करके एक्स को आपको 10 कर देना है और वाई को भी आपको 10 कर देना है। ठीक है, देखिए वाई को भी 10 कर दिया। उसके बाद मेरा जो पिक्चर है वो इस टाइप से कुछ हो। उसके बाद आपको करना क्या है, इस पिक्चर पे क्लिक करके लेयर पे जाने के बाद आपको इधर कॉपी लेयर कर देना है। ठीक है, उसके बाद और एक बार लेयर पे जाके ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है और एक पिक्चर को इस टाइप से खींच के नीचे ले इस टाइप से नीचे ले आना है। ठीक है, तो मैं ले आया। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं दोनों पिक्चर का साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, हो गया, इसका भी साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ।
देखिए आप अपना हिसाब से साइज और अपना जो पोजीशन है वो आपने आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो पिक्चर है नीचे वाला, ये पिक्चर का मैंने ये पिक्चर के ऊपर आपको क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे जाना है। कलर एंड फिल पे जाने के बाद आपको इधर क्लिक करके आप दूसरा जो पिक्चर आप सिलेक्ट कर मतलब करना चाहते हैं वो पिक्चर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस वाला ऑप्शन में क्लिक करके, देखिए मेरा हो गया, ये पिक्चर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको और एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है, और एक पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए आपको इस लेयर पर क्लिक करके आपको एक काम करना, इस लेयर को कॉपी कर लेना, ठीक है, और उस और एक बार लेयर पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना, ठीक है। तो इसको मैं मूव करके इस टाइप से इधर लगा देता हूँ, इस टाइप से, ठीक है। तो मिडिल वाला जो पोर्शन मतलब फो पिक्चर है उसको मैं साइज दोनों से थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हो गया। अब इस टाइप से मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो पिक्चर है उस मिडिल वाला जो पिक्चर है उसका आपको करना क्या है, बस उस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पे जाना है, दूसरा उधर क्लिक करके और एक पिक्चर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए मैं ये जब ये वाला जो पिक्चर है ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा जो तीनों पिक्चर है वो तीनों पिक्चर रेडी हो गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक वीडियो है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप उधर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाला वीडियो जो है वो मैं इधर ऐड कर लूँगा। तो प्लस वाला ऑप्शन में जाने के बाद मीडिया पर जाओगे, तो मीडिया पर जाने के बाद आपको जो वो वीडियो जिधर है आप उधर से आपको बस ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, देखिए मैंने ऐड कर लिया। अब इसको तो इसको उसके ऊपर क्लिक करके थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके इसको फुल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिट में क्लिक करना है, लाइटिंग में क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो देखिए मेरा वीडियो 30 सेकंड का है, तो और मेरा स्टेटस जो है वो 15 सेकंड का है। तो मैं बाकी का जो वीडियो बाकी का जो पार्ट है वो इस टाइप से काट देता हूँ, ठीक है। तो मेरा हो गया। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो चैनल का लोगो है वो इधर लगा देना है, ठीक है। तो लगाने के लिए आपको प्लस वाला ऑप्शन पर जाने के मीडिया पर जाने के बाद आपका जिधर भी वो लोगो है वो उधर से आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं इस टाइप से वो वाला जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए तो ये मेरा इस टाइप से है, तो मैं इसको काम कर लेता हूँ, इसको इस टाइप से करके 90 डिग्री तक रख के मैं इधर से कर लेता हूँ। और उसके बाद ये ऊपर की तरह इधर इस पिक्चर के इधर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा तो साइज जो है इसको कम कर देता हूँ, और इसका जो ऑपेसिटी है इसे थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक। इसके बाद आपको करना क्या है, दूसरा जो और इसको क्या करना क्या है, इसको ऊपर क्लिक करके आपको लास्ट तक आ जाना है और इसको खींच के बड़ा कर देना है। और एक लोगो मैं ऐड करूँगा ये वाला, ठीक है। तो इसको भी मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है, रोटेशन पे जाने के 90 डिग्री रोटेशन पर क्लिक कर देना है। और इसका जो है ये नीचे वाला, इसको मैं नीचे इस तरफ से आने के बाद इधर लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना। अब इस टाइप का जो लोगो है ये आप पिक्सलैब पे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका जो ओपेसिटी है ये मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो इसके बाद आपको करना क्या है, जो लोगो है इसको इस टाइप से खींच के मैं बड़ा कर दूंगा, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें एक इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के लिए आपको प्लस वाला ऑप्शन पे जाना है, और ऊपर जो एलिमेंट है उस पर क्लिक करके आपको एक एलिमेंट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड एलिमेंट पे जाने के बाद आपको एक एलिमेंट है जिसको आप डाउनलोड कर लेना है, ए वाला एलिमेंट डबल डॉट ब्रश। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रख के रखा हूँ, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो मैं बस इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, ऊपर के जो पिक्चर है उस पर आपको लगा लेना है। तो मूव एंड ट्रांसफर पे जानेंगे,
जाने के बाद आपको इस टाइप से लगा लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है ये बहुत ही बड़ा हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा हो गया। और इसको आपको करना क्या है, इसके बाद आपको ये इस लेयर पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है और इसका पेस्ट कर लेंगे। करने के बाद आपको सॉरी इसको जो है वो नीचे वाला पिक्चर पे आपको ले आना है, ठीक है। तो हाँ हो गया। और उसके बाद आपको और एक बार पेस्ट कर लेना है। और इसको करना क्या है, जो मिडिल वाला पिक्चर है उस पर सॉरी उस पे लगा देना है, ठीक है। तो मिडिल वाला पिक्चर थोड़ा सा छोटा है, तो इसके लिए आपको इफ़ेक्ट जो है इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसको पिन कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और आप इस पर कलर ऐड हो गया है इस तरीके से कुछ, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब इसको आप करना कि इस जो ग्रुप ऑन हॉर्न है इसको हम अभी कॉपी लेयर कर देंगे, ठीक है। तो कॉपी लेयर करने के बाद आपको करना क्या है, इस जिधर ख़त्म होता है उससे थोड़ा दूर जाके आपको और एक बार इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, और ऐड कर लेना है। इस टाइप से आप ऐड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर जाके आपको बस इसको पेस्ट लेयर करके ऐड कर लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, तो मेरा ऐड हो गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये और आपको एक देखिए मेरा जो वीडियो है वो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आपको अगर आप कुछ इधर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, तो मैं कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो लिखने के लिए आपको प्लस वाला ऑप्शन में जाने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इधर कुछ भी लिख लेना है, तो मैं एक काम करता हूँ लाभ लिख लेता हूँ, ठीक है, हो गया। और उसके बाद आपको फर्स्ट वाला को इधर बीच बीच ले लाना है, और आपको जो भी आप टेक्स्ट ऐड करना मतलब फ्रंट सेलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये फ्रंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जाना है और मैं ये वाला हाँ ये वाला जो कलर है वो ऐड कर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है, टेक्स्ट को इस इधर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट के ऊपर जाना है आपको, बॉर्डर एंड शैडो पे जाना है, फर्स्ट शैडो को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो शैडो का साइज में ब्लैक रखता हूँ, और जो पोजीशन है वो थोड़ा सा आटा रख सकते हो आप, और आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। तो मैं देखिए इधर आटा रख लिया, ठीक है। और इसका करना क्या है, इसको सिलेक्ट करके लास्ट तक बढ़ा देना है, ठीक है। तो देखिए मेरा वीडियो पूरा हो गया है, ठीक है। तो आप भी अगर बनाना चाहते हो इस टाइप का वीडियो तो आप बना सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर